नमस्कार दोस्तों, मैं कर्नल अजय सिंह अजय अष्टमानी गुरु आप सबसे मुखातिब होता हूं। आज अहम दिन है, 10 फरवरी सन 2024 कोटा इंडस्ट्रियल सिटी, यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण सेमिनार हो रही है स्पाइसेस के ऊपर, और वो कंडक्ट कर रहा है राजस्थान एसोसिएशन ऑफ स्पाइसेस। राजस्थान एसोसिएशन ऑफ स्पाइसेस एक अग्रणी संस्थान है जो कि स्पाइसेस की बढ़ाई के लिए, बढ़ोतरी के लिए, भलाई के लिए बहुत कुछ करता है, और आज का जो आयोजन है इस बात का सूचना दे रही है, परिचायक है कि वो ज़बरदस्त कुछ कर रहा है। आज हमारे साथ राजस्थान एसोसिएशन ऑफ स्पाइसेस के महत्वपूर्ण पदाधिकारी अध्यक्ष श्री श्याम जी मौजूद हैं। मैं आपके लिए कुछ विशेष जानकारियाँ उनके माध्यम से पेश कर रहा हूँ। स्वागत है आपका। थैंक यू अजय सर, थैंक यू वेरी मच। श्याम जी, आपकी ये जो राजस्थान एसोसिएशन ऑफ स्पाइसेज है, राजस्थानी एसोसिएशन ऑफ स्पाइसेज है, इसका उद्देश्य क्या है? आपको क्या जरूरत थी कि इसको कुछ बनाया जाए, क्योंकि इंडियन स्पाइसेज एसोसिएशन, मसाला बोर्ड और बहुत कुछ है, व्हाट इज सो स्पेशल विद इट? जी देखिए, एसोसिएशन बहुत सारी है अजय सर, आपने बिल्कुल सही बोला, लेकिन जो हमारी एसोसिएशन है राजस्थानी एसोसिएशन ऑफ स्पाइसेज, इसका जो मुख्य उद्देश्य है बनाने का, कि राजस्थान को आपको पता है मसाले की कटोरी कहा जाता है, और आपसे बेहतर कौन समझता है, आप सभी मसाले पर बहुत अच्छी तरह से एनालिसिस करते हैं, तो आपको पता होगा राजस्थान के अंदर मसालों का जो उत्पादन है वो सर्वाधिक है। जीरे का उत्पादन लेंगे तो गुजरात के मुकाबले में राजस्थान का उत्पादन ज़्यादा है, धनिया का लेंगे तो धनिया का उत्पादन ज़्यादा है। सभी राजस्थानी सीड स्पाइसेस, जीरा, धनिया, सौंफ, मेथी, कसूरी मेथी और हमारे मस्टर्ड, इन सब का प्रोडक्शन राजस्थान में बहुत ज़्यादा है, किंतु उत्पादन ज़्यादा होने के बावजूद भी यहाँ से, राजस्थान से उसका विक्रय नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल, है ना। तो राजस्थान, जो राजस्थान के सीड स्पाइसेस है, इसका राजस्थान से विक्रय कैसे हो? यहाँ की प्रोसेसिंग यूनिट्स है, जो फैक्ट्री बनी हुई है, जो यहाँ की मंडियाँ है, राजस्थान के सीड स्पाइसेस का राजस्थान से विपणन कैसे हो, इसी सोच के माध्यम से, इसी सोच को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये एसोसिएशन का 2 साल पहले गठन किया था। और ये जो आज हम लोग सेमिनार करा रहे हैं, पिछले साल हमने यही सेमिनार जयपुर के अंदर करवाया था, और जिससे किसानों को, व्यापारियों को, और हम लोग इस सेमिनार में क्या करते हैं बेसिकली, कि राजस्थान के सभी किसान और जो यहाँ के ट्रेडर, प्रोसेसर और जो मिलर है, जो कि राजस्थानी सीड स्पाइसेस की प्रोसेसिंग का कार्य करते हैं, उनको हम लोग इसमें आमंत्रित करते हैं। इसके अलावा राजस्थानी सीड स्पाइसेस को यूज़ करने वाली जो कंपनियां हैं भारत के विभिन्न विभिन्न राज्यों में, जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, हम लोग उनको आमंत्रित करते हैं, ताकि एक तीनों को एक प्लेटफॉर्म मिल सके, बड़ी कंपनियां अपनी डिमांड बता सके कि हमें राजस्थान से क्या उम्मीद है, राजस्थान के मसालों से क्या उम्मीद है, और यहाँ के ट्रेडर और प्रोसेसर को उनसे सीधा मिलाया जा सके, ताकि हमारा व्यापार बढ़े और किसानों को एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो कि हम लोग जिस माल का उत्पादन कर रहे हैं, वो हमारा माल हमारे राजस्थान के व्यापारी के माध्यम से सही जगह पर और बड़ी कंपनी में जा रहा है। तो क्या हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि जो छोटे व्यापारी या किसान बड़ी कंपनियों के तक डायरेक्ट नहीं पहुंच पाते हैं, आपका ये प्लेटफॉर्म एक माध्यम बना हुआ है कि उनसे एक बार उनको रूबरू करा दिया जाए, वो एक कनेक्शन किया जाए, एक पुल बना दिया जाए, ताकि छोटे से छोटा व्यापारी और बड़े से बड़ा व्यापारी के बीच में अंतर खत्म हो और वो एक दूसरे को पहचाने जाने? बिल्कुल, हमारा एसोसिएशन का सबसे मुख्य उद्देश्य यही है कि राजस्थान के जितने भी ट्रेडर है, प्रोसेसर है, जो फैक्ट्रियाँ लेके बैठे हैं, उनको हम लोग भारत के विभिन्न हिस्सों की मसाला कंपनियों से सीधा कनेक्ट कराएं। इसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोग ये एसोसिएशन का, ये व्यापार मीट का, बिजनेस मीट का आयोजन करते हैं। अंदाजन आपकी इस एसोसिएशन में कितने मेंबर्स हैं? देखिए, हम 9 फाउंडर मेंबर है इसमें, जिसने इस एसोसिएशन को शुरू किया था। फाउंडर मेंबर लडेश जी है हमारे साथ में, और फाउंडर मेंबर्स 9। अच्छा, जो राजस्थानी एसोसिएशन ऑफ स्पाइसेस के फाउंडर मेंबर है, वो राजस्थान के विभिन्न जिलों से है। ऐसा नहीं कि खाली जोधपुर से बनाया है, क्योंकि हमने नाम राजस्थान का रखा है और स्पाइसेस सारे राजस्थान के कवर कर रहे हैं। धनिया कोटा में होता है, जीरा हमारे जोधपुर साइड में होता है, कसूरी मेथी नागौर में होती है, मेथी बीकानेर में होती है, तो हमने सभी जगह से एक एक फाउंडर मेंबर को इस एसोसिएशन में लिया है, और पूरे राजस्थान से अभी हमारे पास में करीब 250 से 300 मेंबर्स के अराउंड अभी इस एसोसिएशन में है, क्योंकि हम लोग एसोसिएशन के अंदर अभी हम लोग किसानों को भी इसमें ऐड कर रहे हैं। अभी हमारे पास में FPO और जो किसान संघ के प्रमुख लोग हैं, उनको हमने इसमें ऐड किया है, लेकिन अभी इस साल से हम लोग सीधे किसानों को भी ऐड करेंगे, किसानों को मेंबर बनाएंगे। और जैसा कि आप देख ही रहे थे आज का जो हमारा सेशन था, कि किसानों को हम लोग किस तरह से गाइड करें कि वो कम से कम पेस्टिसाइड को यूज़ करें, या कोई अच्छे बीज को लेकर अपनी खेती को किस तरह से बढ़ाए, कि जिससे कि राजस्थान के मसाले की क्वालिटी बेहतर है और बेहतर हो सके।
बहुत अच्छा। लेकिन एक और सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि भारत जो है देखा जाए तो हल्दी है, कोरिएंडर है और जीरा, ये तीनों का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है और सबसे बड़ा कंज्यूमर भी यहीं भारत ही है। अब जीरा और धनिया जो जो महत्वपूर्ण फसलें हैं राजस्थान के लिए, इसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हैं। इन फ्लक्चुएशंस के अंदर ये बात भी समझने में आ रही है कि NCDS का अपना रोल हो रहा है, कुछ व्यापारी अपनी बात कह रहे हैं, एक्सपोर्टर्स अपनी बात कह रहे हैं और एसोसिएशन अपनी बात कहेंगी, लेकिन एक महत्वपूर्ण ये है कि किसान हो या व्यापारी, सबको भाव अच्छा चाहिए। अब अच्छा भाव मिल पाए उसके लिए भी कुछ आप ऐसा कुछ प्रमोशनल किसानों को अपग्रेड कर रहे हैं, या उनको कोई एजुकेशनल प्रोग्राम चलाएंगे, या छोटे व्यापारियों के लिए कुछ ऐसा कोई आप एजुकेशनल प्रोग्राम या प्रमोशनल प्रोग्राम जिससे उनको वो सही दाम मिल सके, अच्छी क्वालिटी का पैदावार हो सके? बिल्कुल, जैसे देखा अभी जो हमारा पैनल चल रहा था, हमने सभी बायर्स की कंपनियों को यहाँ पर बुलाया था और बायर अपना सुझाव देते हैं भी हमें किस तरह का माल चाहिए, वही सुझाव हम लोग किसानों को देते हैं। तो ये सारा एक अंडरस्टैंडिंग करने का ही प्लेटफॉर्म है, बारीक से बारीक चीज़ों को हम लोग समझते हैं ताकि बारीक चीज़ों पर हम लोग वर्कआउट कर सके, किसानों को हम लोग समझा सके। जैसा मैंने अभी पहले भी आपको बताया, किसानों के लिए हम लोग पूरा एक गाइडलाइन प्रोग्राम तैयार करेंगे, साल में हम लोग ऐसे एक दो प्रोग्राम किसानों के लिए करते रहते हैं और करेंगे भी। एक काम की बात दोस्तों, देखिए मैं आपको एक थोड़ा सा इंटरप्ट करता हूँ। अभी जैसा आपने बताया कि किसानों को इससे क्या फ़ायदा होगा या कैसे होगा, पिछले साल हमने जयपुर में सेमिनार किया था कसूरी मेथी के ऊपर, हमने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन बनाया था। MDH के जो कसूरी मेथी के हमारे बायर है, जो MDH नागौर का नेतृत्व करते हैं, वो हमारे बीच में थे और हमारे साथ में काफ़ी किसान थे, एसोसिएशन के काफ़ी मेंबर थे। आप कर्नल साहब, आप वापस एक बार अपना खुद का स्टडी कीजिए, क्योंकि आप तो फील्ड को बहुत अच्छे से सर्वे करते हैं। पिछली बार हमारे सेमिनार के बाद में इतनी कसूरी मेथी को लेकर इतनी अवेयरनेस आ गई कि जोधपुर के सराउंडिंग 50 से 60 किलोमीटर के एरिया में जितना नागौर में प्रोडक्शन हो रहा था, उतना प्रोडक्शन वहाँ पे भी होना शुरू हो गया। उसका कारण क्या था कि पहले किसानों में ये कॉन्फिडेंस नहीं था कि हम लोग अगर कसूरी मेथी उगाएंगे तो हमारा माल सारा बिक पाएगा या नहीं बिक पाएगा। तो किसानों के माल, किसानों का कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए हम लोग बाहर के बायर को बुलाते हैं। अभी तक क्या हो रहा था साहब, देखिए राजस्थान के अंदर फसल का उत्पादन होता है, लेकिन यहाँ से डायरेक्ट माल बाहर भारत की कंपनियों को या बाहर से एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, तो यहाँ के किसान समझ नहीं पाते। उनको लगता है हमको हमारा माल यहाँ उत्पादन करेंगे, गुजरात भेजना पड़ेगा, MP भेजना पड़ेगा, कहीं और भेजना पड़ेगा। आप देखिए किनोवा सीड एक छोटी सी कम्युनिटी है, लेकिन उसका यहाँ पे मार्केट डेवलप नहीं है। किसान हर चीज़ पैदा कर सकता है, बस हमें किसानों को थोड़ा सा समझाने की जरूरत है और किसानों के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने की जरूरत है, जो काम हमारा एसोसिएशन कर रहा है और करता रहेगा। बिल्कुल, जैसे दोस्तों आपको याद होगा मगज के बीज, वाटरमिलन सीड्स, जो कि बीकानेर, जोधपुर और बाड़मेर इलाके के प्रमुख हैं और पूरे देश को यहाँ से सप्लाई भी होती है। लेकिन यदि हम देखा जाए, एक आम जनता को ये पता ही नहीं है कि जोधपुर इसका सबसे बड़ा सेंटर है। ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। एक बड़े काम की बात, एक काम की बात, सीजन कोरिएंडर का और जीरे का चल रहा है, आपकी एसोसिएशन के माध्यम से, व्यापारियों के माध्यम से, किसानों के माध्यम से एक सीधी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि हमारा चैनल कोशिश करता है कि आपको कुछ ऐसी चीज़ दें जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। बिल्कुल, तो जीरा और धनिए की पैदावार के बारे में आपके व्यक्तिगत क्या क्या विचार हैं? देखिए ये सारा हम लोग यहाँ पर मंथन करते हैं, इसमें मेरा व्यक्तिगत विचार कुछ काम नहीं है। एसोसिएशन का नहीं, मतलब एसोसिएशन का ये काम नहीं है कि कितनी पैदावार है, क्या भाव का प्रेडिक्शन रहने वाला है। भाव नहीं, खाली एक पैदावार अच्छी है या कम है। देखिए यहाँ पे मंथन उसी चीज़ का चलने वाला है। कल आप भी, कर्नल साहब यहाँ पर है, कल आप भी यहाँ पे देखिएगा। मुझे लगता है ये जो हम लोग बिजनेस मीट कर रहे हैं, ये जो आपका क्वेश्चन है, पूरा बिजनेस मीट अटेंड करने के बाद में आपको अपना आप मिल जाएगा। खाली मेरे बोलने से पैदावार अच्छी है या मेरे बोलने से पैदावार ख़राब नहीं होती है। यहाँ इतनी सारी मसाला कंपनी आई हुई है, किसान आए हुए हैं, यहाँ के ट्रेडर है, व्यापारी है, सभी लोग फील्ड सर्वे करते हैं। इसके अलावा हमने एक सैटेलाइट सर्वे भी करवाया है, पिछली बार भी हमने सैटेलाइट सर्वे करवाया था, तो जिससे कि गवर्नमेंट के डेटा आते हैं, आपके भी डेटा आते हैं, आप लोग भी फिजिकल सर्वे करते हैं, लेकिन सैटेलाइट सर्वे आपको, मतलब मुझे लगता है ज़्यादा एकदम मुझसे बेहतर नॉलेज है। नहीं, तो हम लोगों ने सैटेलाइट सर्वे लास्ट ईयर भी कराया था। सैटेलाइट सर्वे से एक सटीक जानकारी हमको मिल जाती है कि गवर्नमेंट के डेटा क्या बोलते हैं और सैटेलाइट ने जो डेटा निकाल के दिया है पर्टिकुलर एरिया के अंदर, उसमें कितना किसान ने आपके हिसाब से सैटेलाइट सर्वे क्या कह रहा है? देखिए उसके लिए कल तक आपको वेट करना पड़ेगा। सैटेलाइट सर्वे का जो हमारा पैनल है वो कल का है, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। सभी लोग जो यहाँ पर आए हैं वो ये जानना चाहते हैं कि भाई जीरे का उत्पादन कितना है, धनिया का उत्पादन कितना है। एक आखिरी सवाल, आप हमारे चैनल के लिए, हमारे दर्शकों के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के बारे में?
बिल्कुल, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि राजस्थान का जो मसाले का व्यापार है, अगर हम सभी लोग मिलकर मेहनत करें तो राजस्थान के मसाले के व्यापार को हम लोग नई ऊंचाई की तरफ ले जा सकते हैं। राजस्थान के किसानों में इतनी क्षमता है कि वो हमारी पूरी डिमांड को पूरा कर सके। ज़रूरत है तो बस उसमें एक कॉन्फिडेंस पैदा करने की, जो हमारा काम एसोसिएशन के माध्यम से हम लोग करवा रहे हैं। तो दोस्तों, श्याम जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही और उसका नतीजा भी मिला है। जैसे जयपुर की सेमिनार पिछली बार हुई थी और कसूरी मेथी के ऊपर जो इस एसोसिएशन ने काम किया, और उससे किसानों को और ना केवल किसानों को फ़ायदा हुआ अपितु राजस्थान के जो व्यापारी हैं उनको भी फ़ायदा हुआ। उम्मीद है कि कोटा की जो ये सेमिनार हुई है, चल रही है, बिजनेस मीट चल रही है, इसमें किसान हैं, व्यापारी हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, इम्पोर्टर्स भी कुछ हो सकते हैं, और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ भी मौजूद हैं। उम्मीद है कि यहाँ से कुछ कॉन्क्रीट निकलेगा। और मैं चैनल की तरफ से श्याम जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आपका ये प्रयास बहुत सार्थक है। आप निश्चित रूप से पूरे देश के अंदर ये आपका पवित्र और पावन जो आपने ये पूरा टीम वर्क है। राज की कोटा की टीम बहुत अग्रेसिव है साहब। हमारी जो कोटा के अंदर सेमिनार किया, हमारे सचिव महोदय महावीर जी गुप्ता और उनकी पूरी टीम ने यहाँ पे जी जान से मेहनत की है, ताकि आप देखिए कोटा, मतलब कोटा के अंदर बाहर से इतने बायर्स को इतने कम समय में बुलाना बहुत मुश्किल काम है, आसान नहीं है काम। और आप देखिए सब रिलेवेंट लोग हैं यहाँ पे, इरिलेवेंट आदमी कोई भी नहीं है इसमें। जो एक्चुअल बायर है, जो एक्चुअल सेलर है, जो एक्चुअल मिलर है, जो एक्चुअल प्रोसेसर है, उन्हीं को हमने यहाँ पर गेट टुगेदर किया। थैंक यू वेरी मच। सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। गुड लक।